दांतों के घुट जाने को बोलते हैं। इसकी क्या कॉजेज हैं और इसको कैसे प्रिवेंट किया जाता है, लेट्स टेक अ लुक। नंबर वन, कार्बोनेटेड फिजी ड्रिंक्स या एसिडिक कंटेनिंग ड्रिंक्स से डेंटल इरोजन जो है उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नंबर टू, एसिडिक या सिट्रस कंटेनिंग फ्रूट्स या विनेगर ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी आपके डेंटल इरोजन या दांतों का घुट जाना हो सकता है। स्पोर्ट्स ड्रिंक्स या एनर्जी देने वाली ड्रिंक्स आपके दांतों पे बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स छोड़ के जा सकती हैं, आपके मुंह को काफ़ी ड्राई कर देती हैं और डेंटल इरोजन कॉज करती हैं। इसके अलावा बैड ब्रेथ जो है ये आपके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स में ये सारी ड्रिंक्स जो हैं ये आ जाती हैं। नंबर फोर, होम वाइटनिंग रेमेडीज जिसमें बेकिंग सोडा और लेमन का इस्तेमाल हम करते हैं, इससे डेंटल इरोजन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं जिससे सेंसिटिविटी और पेन के शिकार होते हैं पेशेंट्स। इसमें सबसे पहले तो यह है कि आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या फ्रिजी ड्रिंक्स को अवॉइड करें एज मच एज पॉसिबल, और अगर आपने इनको इनटेक करना है तो एटलीस्ट स्ट्रॉ से उनको पिए ताकि एसिडिक कंटेंट आपके मुंह में मिनिमल से मिनिमल जाए, कम से कम आपका कॉन्टैक्ट हो टीथ के साथ। इसके अलावा आप जो है शुगर फ्री च्यूइंग गम्स च्यू कर सकते हैं ताकि आपका सलाइवा फ्लो जो है वो ज़्यादा रहे और एसिडिक कंटेंट वॉश आउट होता रहे। नंबर थर्ड, अगर आपको कोई भी सेंसिटिविटी या पेन ज़्यादा फील हो रहा है तो एटलीस्ट अपने डेंटिस्ट को एज सून एज पॉसिबल विजिट करें ताकि आपका टाइमली ट्रीटमेंट हो सके।